हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल टेस्ट के अड्डे पे। तो देखिए, आज मैं ये मिठाई लेके आई हूँ। तो ये मिठाई इतनी स्वादिष्ट और टेस्टी बन की तैयारी हुई है और बहुत ही अच्छी मिठाई बनी है, और बनाने में ये बहुत सरल है। तो ये मिठाई आप 5-7 मिनटों में आप बना के आप तैयारी कर सकते हैं, और कभी भी ये मिठाई जब भी आपका मीठा खाने का मन हुआ जब आप बना सकते हैं। और आगे त्यौहार आ रहे तो त्यौहारों पर ये मिठाई इतनी अच्छी लगेगी और देखने में भी बहुत सुंदर है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते। तो बनाने के लिए मैं ये बिस्किट्स लिए। तो बिस्किट्स आप कौन सा भी बिस्किट्स, क्रीम वाला बिस्किट ले सकते, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पास में दुकान में मिले वो बिस्किट आप लेके आ सकते। ये नहीं कि इसमें यही बिस्किट डालना है, कौन सा भी बिस्किट आप चॉकलेट फ्लेवर वाला बिस्किट डाल सकते। तो ये देखिए मैं बिस्किट्स लिए। तो बिस्किट्स आप कौन से भी बिस्किट्स ले सकते हैं, क्रीम वाला। तो ये बिस्किट्स का मैं पाउडर बना के तैयारी कर लिया है। तो ये एकदम ये स्मूथ पाउडर बनाना है, इसमें कोई भी बिस्किट्स और नहीं रहना चाहिए। तो ये मैं पाउडर इस बाउल में डाल लेती हूँ, एक डो जैसा, आटा जैसा तैयार कर लेती हूँ, डो लगा लेती हूँ। तो ये दूध लिया है आधी कटोरी, ये मलाई वाला दूध लिया मैं। तो इसका एक मुलायम डो तैयारी करना है। तो ये थोड़ी थोड़ा दूध डाल के, एक साथ दूध नहीं डालना है, और एकदम मुलायम इसका चिकना डो तैयारी कर लेना है। तो ये देखिए कितना अच्छा डो बन के तैयारी है और कितना मुलायम है ये देखिए। तो ये एकदम चिकना, इसमें कोई घी वगैरह कुछ नहीं डाला है, बहुत अच्छा डो बन की तैयारी हो गया है। तो ये तो साइड में रख देती हूँ। और ये लिए एक कटोरी मूंगफली। तो ये मैं भुनी हुई मूंगफली लिए, इसका ऊपर के छिलका मैं हटा दिया। तो आप लो या मीडियम फ्लेम पे मूंगफली को भून की तैयारी कर सकते हैं। इसका ऊपर का छिलका हटा देना है, तेज़ आंच पे मूंगफली को नहीं सेकना, तेज़ आंच पे मूंगफली अच्छी नहीं सिकती है। तो अब इस मूंगफली का एक पेस्ट बनाने की तैयारी करना है, इसका एक पाउडर बनाना है। तो मूंगफली का पाउडर इतना अच्छा बनता है, पर लगातार मिक्सी को नहीं चलाना है, मिक्सी को रोक रोक के बीच बीच में चलाना है। तो ये देखिए पाउडर कितना अच्छा बन के तैयारी हुआ है। तो मूंगफली का पाउडर बना के तैयारी के लिए तो ये साइड में रख देती हूँ। ये रखे गैस पे कढ़ाई और ये चीनी। तो मैं एक कटोरी मूंगफली ली, उनसे इतनी कम है, 1/4 कटोरी चीनी डाल रही हूँ। तो चीनी आप स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर डाल देती हूँ पानी। तो पानी देखिए आधी कटोरी से थोड़ा कम ही पानी डाल रही हूँ इसके अंदर। तो ये पानी डाल के और चीनी और पानी को चलाते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और इसकी एक चाशनी बना के तैयारी करनी है। तो इसकी कोई एक तार की, दो तार की वैसे कोई चाशनी नहीं बनानी है, इसकी बस 3-4 मिनट अच्छे से चाशनी को पकाना है। और एकदम एक चिकनी जैसे शहद जैसी चिपचिपी सी लगने लग जाती है, जैसे दो अंगुलियों के बीच में लगा के देखो तो एकदम चिपचिपी सी चाशनी लगेगी, जैसे शहद को अंगुलियों में लेते वैसी एकदम चिपचिपी चाशनी। तो ये चाशनी अब तैयारी है। अब इसके अंदर डाल देती हूँ जो मूंगफली का पाउडर बनाया था पीनट्स का। तो ये एक साथ नहीं डालना है, आप ये मूंगफली का पाउडर छान के वैसे भी डाल सकते, और मैं इसका सीधा डाल रही हूँ। तो इसमें इसको चलाते हुए डालना है, थोड़ा थोड़ा करते हुए, इसमें कोई भी लम्स वगैरह वैसे नहीं रहना है। तो उनसे क्या कि जो लम्स रह जाते हैं, कोई गुठलियाँ वगैरह रह जाती है, उनसे मिठाई अच्छी नहीं लगती है, वो एक अलग सा टेस्ट हो जाता है। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है मीडियम फ्लेम करके, या आप गैस को ऑफ करके भी ये काम कर सकते हो। तो ये देखिए इसमें बिल्कुल भी लम्स वगैरह कुछ नहीं है, एकदम अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर डाल देती हूँ 1/4 कप मिल्क पाउडर। तो ये मिल्क पाउडर आप कौन से भी ब्रांड का ये मिल्क पाउडर अच्छा है वो आप डाल सकते हैं, और ये मार्केट में आराम से मिल जाता है। और आपके पास नहीं है तो आप ये मिठाई ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर डालते हुए मैं इस मिठाई को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और ये मैं गैस का फ्लेम मीडियम ही, लो या मीडियम कर रखा है, तेज़ आंच पे नहीं बनानी है इस मिठाई को। और ख़ास करके ध्यान रखना है कि कहीं नीचे ये पैन में चिपके नहीं, तो इसको चलाते हुए रहना है। तो अब डालती हूँ इसके अंदर इलायची पाउडर।
तो आप फ्लेवर के लिए आप इलायची पाउडर डाल सकते हो। इनसे क्या कि इसका फ्लेवर और भी अच्छा बनेगा और टेस्टी लगेगी, और आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप स्किप भी कर सकते हो। अब देखिए इसके अंदर एक छोटी चम्मच इसके अंदर घी डाल दिया है। तो वैसे ही मूंगफली तो इसमें तेल होता है तो ये चिकनी होती है, पर इनसे क्या कि ये थोड़ा कढ़ाई का पैन और आराम से छोड़ देगा और थोड़ी चिकनाई और भी अच्छी आएगी। तो ये देखिए अभी ये कढ़ाई का पैन छोड़ने लगे हैं, तो इसको एक मिनट और चला के और देख लेते हैं। तो थोड़ा सा जैसे कटोरी के अंदर या ऐसे अंगुलियों के अंदर ऐसे थोड़ा गर्म होता है, पर अंगुलियों के अंदर लेके देख लीजिए। तो ये अंगुली के अंदर ये देखिए बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, एक जैसे बॉल जैसे बनने लग जाती है जब ये मिठाई तैयारी हो जाती है। तो कोई भी डिब्बा या प्लेट उसमें आप ये मिठाई को जमा सकते हैं, जिस आकृति में आप बनाओ उस आकृति मिठाई बना सकते हैं। तो मैं एक मिठाई का डब्बा लिए, इसके अंदर एक फॉइल पेपर लगा दिया चिकना करके। तो ये देखिए मिठाई को 2 मिनट में ऐसे रखा ठंडा करके, तो ये देखिए आराम से ये मिठाई निकलने लग गई है। तो ये सारी मिठाई मैं निकाल के डिब्बे के अंदर डाल दिए और एक चम्मच की सहायता से इस मिठाई को अच्छे से अंदर सेट कर देती हूँ। तो आप कोई भी जो आपके पास है डिब्बा प्लेट उसमें ये मिठाई को सेट कर सकते हैं। और इसका कलर देखिए मिठाई का, इसका फ्लेवर देखिए कितना अच्छा है, ऐसे लगे नहीं रहे कि ये मूंगफली की मिठाई है। तो इसको अच्छे से सेट कर देती हूँ और 2-3 मिनट इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो देखिए मैं ज़्यादा नहीं करी, हल्की गर्मी है, 2-3 मिनट ये मिठाई ठंडी हो गई है। तो अब इसके ऊपर ये बिस्किट वाला बनाया था डो, ये इसके ऊपर परत लगा देनी है। तो ये देखिए इसके ऊपर रखी और इसके हल्के हल्के हाथों से भी फैला सकते हैं या कोई चमचे के सहायता से, चम्मच की सहायता से ये आराम से सेट हो जाता है, आराम से। देखिए तो देखिए कितनी सुंदर ये मिठाई लग रही है और एकदम आराम से, इसमें कोई भी टाइम नहीं लगता है, ये बस 2-4 मिनटों के माँ बन की मिठाई तैयारी हो जाती है। तो ये कोई चम्मच की सहायता से आप हल्की हल्की इसको एकदम चिकनी करके तैयारी कर लेनी है। तो ये देखिए कितनी अच्छी मिठाई बनी है। तो इस मिठाई को बिल्कुल भी कोई सेट होने लगे और कोई भी टाइम नहीं लगता है। तो अब इसके कोई भी आकृति में, जिस आकृति में आपको पीस बनानी है, कि जितनी बड़ी आपको पीस रखनी है उस हिसाब से आप मिठाई का पीस बना के तैयारी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं पीस काट के तैयारी कर लेती हूँ। और आप इस मिठाई को 5 मिनट फ्रिज के अंदर रखो तो 5 मिनट फ्रिज के अंदर भी रख सकते हो, नहीं ये मिठाई बाहर आप 10 मिनट रख दोगे इतने में ये मिठाई सेट हो जाती है। तो ये देखिए मैं इस मिठाई को 10 मिनट में बाहर ही रखा था, फिर भी ये मिठाई देखिए कितनी अच्छी ये सेट हो की तैयारी हुई है और कितनी सुंदर ये मिठाई बन की तैयारी हुई है। तो आप ऊपर से इस मिठाई को कैसे भी आप सजा सकते हैं, जो आपको पसंद आए उस हिसाब से, आप ड्राई फ्रूट से कैसे भी आप जो आपको मर्जी है जिस हिसाब से आप सजा सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ इस मिठाई का, और फ्लेवर देखिए इसका कितना अच्छा है। तो ये देखिए कौन कह सकता है कि ये मूंगफली की मिठाई है। तो आप भी एक बार बना के ट्राई करके ज़रूर देखिए। और प्लीज़ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, तो सबसे पहले मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे की रेसिपी, तब तक बाय बाय, टेक केयर।